तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले एक संबलपुरी सॉन्ग के ऊपर जिसका नाम है राधिका गोरी गो। तो बस आज के इस वीडियो में हम इसी संबलपुरी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। भाई, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस वीडियो के ऊपर जाकर रिएक्शन करें, तो बस आज की वीडियो हम स्पेशली उनके लिए ही बना रहे हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो क्या करना, भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और भाई, जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वहां पर अब ज्वाइन का बटन आ गया होगा, तो भाई ज्वाइन का बटन जरूर से दबाना और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर से करना। तो चलो, आप जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस वीडियो के ऊपर। आखिर कैसी वीडियो, तो चलो 1 2 3 गो। रसाली हाय रे भोरको भोरको ए बोला छबानी ढापी
तो भाई ये गाना था राधिका गोरी को, और भाई इस गाने में मुझे जो सबसे अच्छी सही लगा वो था लड़की की आवाज। और यार मतलब कि मैं लड़की की आवाज अच्छी लगी जो थी नहीं इसमें जिसमें था क्या ला ला ना तो और वो वाला कुछ, मैं वही बोल रही थी, मैंने वही पूछना था कि लड़की की आवाज कहाँ थी। मतलब भाई सही बात बोले तो हमें ना वीडियो की समझ आई और गाना क्या था, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ एक ही स्टेप मैक्सिमम वो राधिका गुरी और राधिका गुरी और लड़की ला 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 क्या था वो, मतलब कि हमें ही समझ नहीं आया कि इस गाने में था कुछ मतलब। और भाई जो वीडियो थी ना वो भी मुझे बढ़िया नहीं अच्छी नहीं लगी। देखो एक तो अगर मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो राधा रानी के ऊपर कुछ कर रहे हो, मतलब राधा रानी या फिर कृष्ण जी के ऊपर कुछ कर रहे हो, और उसको इस तरीके से फनी, मतलब मैंने बोला कि एक फनी इसमें लाना भी होता ना तो ले सकते थे, पर भाई मतलब कि कुछ अजीब सा था, क्या था यार मुझे सही में समझ नहीं आया, सही बताऊं तो। अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि भाई गाना ठीक है, गाना राधा ऑब्वियस बात है राधिका गुरी चल रहा था तो ऑब्वियस बात है राधा, और जिस तरीके से इनकी ड्रेसअप सेंस थी, जिस तरीके से इन्होंने ड्रेसअप लगाई थी ऑब्वियस बात ही राधा कृष्ण की ही जोड़ी लग रही थी, पर इसमें इन्होंने एक मतलब कि वो दिखाया है फनीनेस दिखाने की कोशिश की गई है, जो मुझे तो नहीं लगी यार सही, जो फनीनेस तो मुझे भी नहीं लग रही थी कि भाई ये किसी एंगल से फनी लग रहा है, और ऊपर से अजीब बहुत लग रहा था कि भाई पैंट खोल के बैठा पैंट में वो पैंट खोल कर क्या मतलब कि क्या था यार कुछ नहीं पता नहीं। हमने पहले भी बड़ी फनी वाली वीडियो देखी है जिसमें हमें इंटरेस्टिंग लगी है भाई सही बोले तो, ये तो नहीं था भाई ये तो, मतलब कि आप एक्सप्लेन कर देना कि एक्चुअली में हो क्या रहा था यार, क्योंकि हम तो थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं इस वीडियो से, क्योंकि हम कभी नहीं हुए, हमने कभी बोला नहीं है, पर थोड़ी पहली बार है ये, फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पर हमें लगा कि नहीं यार ये क्या था, तो भाई ये तो हमारा अपना पर्सनल, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप सबको ये सॉन्ग कैसा लगा अपना ओपिनियन हमें बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बता देना कि एक्चुअली में क्या हो रहा था यार, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर से दबा देना। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।